तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग आज की हमारी एक टॉपिक है। हम बात करेंगे कि कंडीशन इसमें आपका कस्टम फॉर्मेटिंग में और क्या हो सकता है। तो हमने आपको एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, हमारे जो बैच में अभी ज्वाइन कर रखे हैं उनको। तो सबसे पहले यहाँ पे है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टैक्स। जीरो एंड टैक्स क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि यहाँ पे मैं 1500 लिखूंगा, मैं चाहता हूँ एमआरपी 1500 लिखना। तो हम मैनुअली लिखेंगे मतलब टैक्स हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमने इसलिए क्या बताया था आपको कि हमने यहाँ पे कस्टम में जाके हमने इन्वर्टेड कोमा में एमआरपी लिख दिया था, राइट। तो एमआरपी शो हो गया, एमआरपी कंसिडर हो गया था। यस, अगर इसमें मुझे नंबर चाहिए तो हम इसलिए जीरो या हैश दे देंगे। अब मुझे इसे क्या है कि अगर मैं माइनस में अगर 800 किया तो भी यहाँ माइनस एमआरपी जा रहा है। अब मैं चाहता हूं जब माइनस हो तो ये डिस्काउंट दिखे, जीरो हो तो फ्री दिखे। तो ये आपका यही कह रहा है कि आपकी जो पहली पोजीशन होती है वो निगेटिव की होती है, पॉजिटिव की होती है, दूसरी पोजीशन निगेटिव की होती है। मतलब कस्टम फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे सेमी कॉलम, अब सेमीकोलन को डालें क्योंकि यार सेपरेटर देखिए सेमीकोलन का है ना। अब यहां पे मैं करता हूं यहां पे डिस्काउंट 800, बट डिस्काउंट को मुझे किस में लिखना है, इनवर्टेड कॉमा में, और 800 नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे जीरो ना सर जी। अब देखिए जो माइनस फिगर था वो क्या दिख गया आपको, डिस्काउंट 800। अब मैं यहां कुछ भी लिखूंगा प्लस में तो एमआरपी दिखेगा, माइनस में लिखूंगा तो डिस्काउंट दिखेगा, राइट। और तीसरा जो पोजीशन होता है वो जीरो का होता है। मैं चाहता हूं कि अगर जीरो हो यहां पे तो भी एमआरपी दिख रहा है, जीरो यहां पे फ्री दिखे, तो यहां पे एक और सेमी कोलन मैंने डाला और यहां पे हमने कर दिया फ्री, ठीक है। लेकिन फ्री को भी इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, वरना वो डेट ले लिया उसने फ्री। और टेक्स्ट है चौथा जो है आपका टेक्स्ट का है, टेक्स्ट मैंने कर दिया डेटा नॉट फॉर्म, लेकिन यहां पे एट द रेट देना होगा। तो नंबर्स के लिए आपको हैश या जीरो होता है, टेक्स्ट को शो करवाना है तो उसके लिए हम एट द रेट का यूज करते हैं। समझ गए? यस सर। चलो आ गया। अब इसका एक और क्या यूज हो सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा डेटा हम आपके साथ बताते हैं। मैं एक छोटा सा अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाता हूं। तो इस बार जो अटेंडेंस का फॉर्मेट है वो मेरा नॉर्मल अटेंडेंस नहीं है, मेरा बायोमेट्रिक या एक्सेस कार्ड का अटेंडेंस है। आप ऑफिस में जाते हैं तो उसमें डोर ओपन करने के लिए या अटेंडेंस लगाने के लिए बायोमेट्रिक या फिर आप जो है अपना एक्सेस कार्ड यूज करते हैं ना। तो एडमिन ने मुझे डेटा दिया कि किसने कितना बार किस दिन में अपना फिंगर या फिर एक्सेस को एक्सेस कार्ड को यूज किया, राइट। इस तरह से अब जिसका जीरो है इसका मतलब है कि उस दिन अब्सेंट है, इसका पॉजिटिव है उस दिन उसे ए है प्लस है। तो मुझे यहां पे क्या करना है, जीरो वाले को अब्सेंट शो करना है और जो नंबर है अगर मान लो उसने अगर पंच किया, इसका मतलब कि वो ओपन किया तो उसने ऑफिस आया है तो उसने अपना फिंगर या फिर कार्ड को पंच किया। तो इस केस में इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं। और आर्टिकल के मुताबिक क्या है, पहला जो है पॉजिटिव है, राइट राइट। तो यहां पे हमने पी दे दिया सेमी कॉलम, दूसरा निगेटिव है, बट मेरे इस डेटा में निगेटिव डेटा हो ही नहीं सकता और निगेटिव के लिए कोई हमारे पास रिजल्ट भी नहीं है। तो निगेटिव क्या जगह को हम एज ही ब्लैंक छोड़ देंगे और फिर यहां पे जीरो के लिए यहां पे अब्सेंट लिख देंगे, राइट। बोलिए कुछ बोले सर? राइट सर, राइट। ओके, दिख गया सर। अब इसके नीचे आप एक कलर भी देख रहे हो ना, ब्लू रेड, तो आप इस तरह से कलर भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं नेगेटिव जो है वो रेड कलर हो जाए,
तो मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में जहां नेगेटिव के लिए ए लिखा है ना, ए से पहले मैंने कलर को लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। अब देखिए आपका कलर हो गया, हो गया क्लियर सर? राइट सर। तो इस तरह से आप कलर कंडीशन कंडीशन ले सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में है फोर ही, और आपको दिख रहा है पी। तो सिर्फ विजुअल के लिए है, हमने पहले बताया था किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता, उसकी विजुअल को चेंज करता है। अब इसके आगे बढ़ते, इसमें एक दिया हुआ है कि इतने जो दिख रहा है आपको, इतने सारे जो सिंबल्स हैं, स्पेशल फैक्टर्स हैं, ये आपको विदाउट इनवर्टेड कॉमा आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहां 5 सेंटीमीटर इस तरह से लिखते हैं, कभी लिखा है कि नहीं लिखा है सर? इस तरह से लिखा जाता है, आजकल टेलर वगैरह देखिएगा, टेलर वगैरह जो होते हैं या बढ़ई होता है, यस यस, इस तरह से लिखते हैं। तो मुझे मान लीजिए मैं डेटा लिखना है, और मेरा डेटा जो है वो तीन डिजिट का है, तो मैं चाहता हूं पहला डिजिट पे लग जाए सेंटीमीटर का, और बाकी के दो डिजिट जो है उस पर इससे अधिक इंच और सेंटीमीटर का। तो मैंने इसमें क्या किया, 0 सिंगल दिया एंड 00 डबल कॉमा दिया, ठीक है। अब इसमें से 5 6 9, ठीक है सर? अब मान लीजिए कि 5 feet 9 inch है, तो यहां पे 5 0 9, ठीक है, यस। आसान होगी लिखने में, मैनुअल लगा हुआ दिक्कत होगा ना, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। अब इसमें बताया है जीरो जो होता है हैश के लिए होता है, आर्टिकल में यहां एडवेट के बारे में बताया, तो जीरो जो हैश के लिए होता है, एडवेट आपका टेक्स्ट के लिए होता है। किस तरह के टेक्स्ट के लिए होता है, चलिए इस पे भी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहां मेरा कंपनी का नेम है, अब मैं यहां पे आईपीटी लिख रहा हूं, राइट। देखिए मुझे लिखना होता है M/SIPT, मतलब कि कोई भी कंपनी नेम के आगे मुझे M/S लगाना पड़ता है। तो उस केस में क्या करें, हमने सिलेक्ट किया और कस्टम पे गए, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहां पे दे दिया M/S, यहां पे एडिट। अब यहां पे आईपीटी लिखता हूं, लग गया। इसी तरह से हमारा एड्रेस है, राइट, हमारा क्या है एड्रेस है। अब इस एड्रेस में मुझे क्या करना है कि मेरा दिल्ली, मैंने कि लास्ट का डिजिट जो है सेम है, तो मैं यहां कस्टम पे आता हूं और यहां पे मैं करता हूं न्यू दिल्ली 11, यहां पे 11 0 6 2। यहां पे देखिए आईपीटी, सॉरी इसमें हमने ये नहीं डाला ना, एट द रेट नहीं डाला, यहां मुझे पहले एट द रेट डालना होगा, एट द रेट नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक अमाउंट दिया हुआ है, आप चेक वगैरह पे देखते होंगे ना, अमाउंट के बाद जितना जगह बचता है उस पर स्टार लग जाता है, ऐसे यहां आप कस्टम पे आए और यहां पे मैंने एट द रेट और 2 स्टार डाल दिया, तो 1 स्टार तो कंपल्सरी है, बाकी जो सेकेंड स्टार है वो आपको स्टार प्रिंट करना है तो स्टार डालिए, हैश प्रिंट करना है तो हैश डालिए, डैश प्रिंट करना है तो डैश डालिए, जो आपको प्रिंट करना है वो डालिए। तो मैंने स्टार ही डाला और डालने के बाद मैंने यहां एंटर प्रेस कर दिया। अब कॉलम को मैं जितना बड़ा करूंगा उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा करूंगा उतना ज्यादा होगा। इसमें क्या भी है, मान लीजिए कि मैं यहां पासवर्ड यूज करता हूं, मैं चाहता हूं पासवर्ड लिखूं तो ये स्टार दिखे, पासवर्ड ना दिखे, तो कस्टम में गया और यहां पे 2 बार स्टार डाल दिया। अब कोई भी नंबर लिखूंगा पासवर्ड तो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट।
अब यहीं पे एक आपका होमवर्क आता है। होमवर्क क्या आता है, अब यहां देखिए हमने नंबर लिखा है इसलिए यहां पे आ रहा है, नंबर है इसलिए आपको आ रहा है, लेकिन जैसे टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट नंबर लिखोगे तो नंबर नहीं दिखेगा। अब आप लोगों के पास ऐसा ये है आपका वीकेंड का जो आगे का वीकेंड का जो प्रोग्राम ये है कि आपको मुझे सर्च करके कर बताना है कि इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्या कोड डाले कस्टम फॉर्मेटिंग में जो हमारा नंबर टेक्स्ट कुछ भी हम बात पर डाले तो उसको स्टार बना दे, हैश बना दे, जो मैं चाहूं वो बना दे, ठीक है सर। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो या नंबर नंबर प्लस टैक्स दोनों में हो। हाँ ठीक है, बाकी नॉर्मल है जो आपने यूज किया था, जीरो हैश एक क्वेश्चन मार्क है, अगर आप चाहते जैसा मैं टाइप करूं ऐसा ही दिखे तो क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपका क्या आए तो क्या शो होगा, क्या था क्या शो होगा, ए था हमने इस कोड पे यूज किया ए शो होगा, सिंपल जो आप देख पा रहे हैं राइट। उसके बाद मैंने आपको थाउजेंड सेपरेटर तो बताया ही आपको कि थाउजेंड सेपरेटर कैसे वर्क करता है, बताया था आपको सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था सर। कंफ्यूजन तो नहीं है, दोबारा बता दूंगा, कंफ्यूजन दोबारा बता देता हूँ, नहीं सर हो जाए कुछ ना बड़ा वो नहीं है, ट्राई करेंगे नहीं हो तो पूछ लेंगे। सिंपल से क्या है कि थाउजेंड सेपरेटर समझे, जैसे हम यहाँ पे 12,000 दिए और जब इस पे मैं क्लिक करूंगा कॉमा लगाऊंगा तो आ गया कॉमा लग गया। यस, ये चीजें कस्टम फॉर्मेटिंग से आपको कैसे होगा, कस्टम पे जाइए और यहाँ हैश लिखिए कॉमा तीन बार हैश। अब मुझे अमाउंट को थाउजेंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें कि हैव कॉमा हैश दे दीजिए एक बार, हो गया, इसके आगे आप जो लगाना लगा दीजिए। ओके, मुझे अमाउंट इन थाउजेंड नहीं अमाउंट इन लाख्स में करना है तो मैं वहां पे, हालांकि यहां पर हैश भी लगा सकते हो लेकिन जनरली हम लगाते हैं 0.00 एंड डबल कॉमा। आ गया 1542। तो ये चीजें ये आपका दिखाता। अब आता है कलर, अभी अभी मैंने आपको कलर में बताया कि कैसे हम कलर कर सकते हैं, मैं किसी एक सेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव को कलर कर सकते हैं, तो कलर में क्या क्या कलर डाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी सब कुछ कलर डाल सकते हैं, लिस्ट में जो कलर दिख रहा है वही कलर डाल सकते हैं, इसके अलावा नहीं डाल सकते, ठीक है। क्यों सर? सर जो सेटिंग है इसकी वही डालिएगा ना, सेटिंग से बाहर थोड़ी डालिएगा। अच्छा, मतलब एक्सेल यही एक्सेप्ट करता है चार पांच जितने भी कलर आपने डाउन किया, कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग यही एक्सेप्ट करता है। अच्छा, कस्टम फॉर्मेटिंग में यही एक्सेप्टेड है जी। उसके अलावा अभी जो है कंडीशंस पे भी आप कलर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कॉलम जी में अगर नंबर टाइप करो तो उसके हिसाब से कलर, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि रेड हो जब रेड कब हो लेस देन 100, ये सेमीकोलन दिया, ब्लू कब हो ग्रेटर देन 100, तो ऐसे आप दो कंडीशन आराम से डाल सकते हैं और कलर रेड ब्लू की जगह पे जो लिस्ट में कलर दिख रहा है वो कलर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा आप यहां देखोगे कि उसके हिसाब से कलर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहां दिया हुआ और इसे साफ यहां मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपको अपने हिसाब से कलर करना है, मतलब कि इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर करने हैं, बहुत सारे कंडीशन लगाने हैं, तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल टॉपिक फॉर्मेटिंग। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में लिमिटेड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट करना चाहो कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये दिया गया है कि इस तरह का सैंपल अगर आपको लाना है तो ये शॉर्टकट इस्तेमाल करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे गामा का चाहिए, गामा की सैंपल है सर, ये यान है शायद, यस सर, पता नहीं गामा या यान है, मैं लग रहा है ये आपका जैपनीज जो यान होता वही है ना सर, पता नहीं सर, गामा तो उसमें कोई बीच में लाइन नहीं हो। तो यहां ऑल्ट 062 दिखा आपने, ऑल्ट जीरो
मतलब कि कहने मतलब है कि अल्ट के साथ कुछ भी कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ सिंबल आपके पास आएगा, लेकिन कौन सा नंबर कीबोर्ड, नंबर लॉक ऑन करके, ये आपका जो एट द रेट 1 2 3 के बीच का जो होता है ना उससे नहीं आएगा। ओके अब बात करते हैं डेट्स के ऊपर। लास्ट क्लास में डेट हमने बताया था आपको कि डेट के लिए कुछ इनिशियल है, एम के लिए है, एम मंथ के लिए हमारा एम है, डे yes. के लिए डी है, वाई के लिए वाई है। एक बार एम देते हो तो यहाँ पे आपको मंथ डिस्प्ले करेगा विदाउट लीडिंग जीरो, डबल एम करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होगा, 01 02 03। तीन बार देते हैं तो आपका जैन फाइव मार्च शॉर्ट में आएगा, चार बार देते हैं जनवरी फरवरी आएगा, पांच बार देते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, जनवरी का जे फरवरी का है। सेम उसी तरह से आपका डी में भी है, वन डे दिखाएगा 1 2 3, 0 1 2 3, सैटरडे संडे शॉर्ट में, सैटरडे संडे पूरा फुल में, एंड ये लिखे यहीं पे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कि आप अपने हिसाब से जो मर्जी करें। और इसी तरह से टाइम का भी है, एच मिनट के लिए, एम सेकेंड के लिए, आवर के लिए। अब इसमें एक बड़ी ब्रैकेट में भी एच है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 45 घंटे 20 मिनट 30 सेकेंड डाला, राइट right? अब मुझे इसमें से 45 मिनट को 45 घंटे को अलग करना है, तो आप यहां आवर का फॉर्मूला, बहुत सारे लोग आवर का फॉर्मूला लगाते हैं पर 21 आया, क्योंकि एक्सेल में 24 आवर के बाद एक दिन हो जाता है, तो आप किसी भी कंडीशन में आप यहां घंटों में नहीं निकाल सकते, 45 घंटा नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें यूज करना होगा टेक्स्ट का फॉर्मूला। अगर आपको बाहर चाहिए तो अगर सेम कन्वर्ट करना है तो आप क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बड़ी ब्रैकेट में एच डाल दीजिए। अब आपका 45 आ गया, एक कन्वर्ट करता है, अगर मैंने बड़ी ब्रैकेट में एम डाल दिया तो 45 घंटा 20 मिनट को उसने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में। अगर मैंने यहां सेकेंड कर दिया तो सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट में एम हो चाहे बड़ी ब्रैकेट में एच हो या फिर सेकेंड हो, यही चीज करता है। तो यहां पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक खत्म होता है।